नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लीवेज, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्लीवेज के टाइप पढ़ लिए थे। इसमें दो टाइप हो गए थे, इसमें पहला था क्लीवेज फरो के बेस पर और दूसरा डेवलपमेंटल एबिलिटीज ऑफ एग साइटोप्लाज्म। अब हमारा थर्ड टाइप है, वो है टाइप ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योक। अमाउंट ऑफ योक के बेस पर देखेंगे कि क्लीवेज कितने टाइप का होता है और डिफरेंट डिफरेंट एग में। तो इसमें देखते हैं ये कितने टाइप का होता है। ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। पहले इसमें नंबर एक है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा पार्ट है इसका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दो टाइप से होता है अमाउंट ऑफ योक के बेस पर। होलोब्लास्टिक का मीन्स होता है टोटल डिवीजन। होलो मीन्स टोटल, टोटल डिवीजन। इसमें जो एग होंगे उनमें पूर्ण टोटल एग में, यानी कि पूरे एग में क्या होगा, डिवीजन होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण भंजी। पूर्ण भंजी, ठीक है, पूर्ण भंजी क्लीवेज को कहते हैं विदलन। पूर्ण भंजी विदलन, ठीक है, जिसमें एलेसिथल, एलेसिथल एग और माइक्रोलेथिसल, और मीजोलेथिसल, मीजोलेथिसल एग, इनमें क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नंबर एक इक्वल होलो ब्लास्टिक क्लीवेज, क्लीवेज, और दूसरे पार्ट में डिवाइड होगा अनइक्वल, अनइक्वल होलो ब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए, जब एक एग में, यानी कि या माइक्रोलेथिसल, मीजोलेथिसल और एलेसिथल, जब एग में क्लीवेज होगा तो होलोब्लास्टिक के बेस पर टू टाइप का होगा, जैसे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जब क्लीवेज एग में होगा तो होलोब्लास्टिक के अंतर्गत जिस एग में होगा, जैसे, तो उसमें बनने वाले जो ब्लास्टोमियर होंगे, सेल्स होंगे, वो क्या होंगे, बराबर साइज की होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इस टाइप से क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे, ब्लास्टोमियर्स होंगे। और ये किस में होगा, माइक्रोलेथिसल एग में, माइक्रोलेथिसल, लेथिसल एग या एलेसिथल एग में होगा। और जो क्या होंगे, ब्लास्टोमियर क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इक्वल साइज के होंगे। ब्लास्टोमियर, ठीक, और वही अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जब अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर होंगे एग में, वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, एक बराबर साइज के नहीं होंगे। वो किस में होगा, वो क्या होगा, मीजोलेथिसल एग में, जिसमें जिस साइड योक ज़्यादा होगा उस साइज के बनने वाले
जो ब्लास्टोमियर होंगे वो क्या होंगे, लार्ज होंगे, और जो साइटोप्लाज्म की साइट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, यानी कि माइक्रो और मेगा साइज के क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर बनेंगे। ये किस में बनेंगे, मीजोलेसिथल एग में, मीजोलेसिथल एग, ठीक है। यहां पर क्या है, लार्ज साइज के, और यहां पर स्मॉल साइज के क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर, जिसे हम क्या कहेंगे, मेगा, बड़े वालों को मेगामियर, और जो छोटे वाले होंगे उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोमियर, माइक्रोमियर, ठीक, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब है हमारा सेकंड, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरो, मीरो का मीन्स होता है पार्टियल, यानी कि अंश, ब्लास्टिक डिवीजन क्लीवेज, ठीक, इसमें क्या होगा, पार्टियल क्लीवेज होगा, पार्टियल क्लीवेज, पार्टियल डिवीजन, क्या होगा, पार्टियल डिवीजन होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंश, अंशभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन, ठीक है, जिसमें जिसमें कौन कौन से एग आते हैं, नंबर एक पॉलीलेसिथल, पॉलीलेसिथल एग, और नंबर दो सेंट्रो, सेंट्रोलेसिथल एग। कौन कौन से एग आएंगे, पॉलीलेसिथल एग और सेंट्रोलेसिथल एग, जो हम एग पढ़ चुके हैं उन्हीं के बेस पर इनमें क्लीवेज होगा। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर एक डिस्कोडियल, डिस्कोडल क्लीवेज, क्लीवेज, और नंबर सेकंड सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज। डिस्कोडियल क्लीवेज किसमें होगा, पॉलीलेसिथल एग में होंगे, ये किसमें होंगे, पॉलीलेसिथल एग, और जो सुपरफिशियल क्लीवेज होगा वो सेंट्रोलेसिथल एग में होंगे, सेंट्रो लेसिटल एग, ठीक। इस टाइप से क्या होगा, अमाउंट ऑफ योग के बेस पर ये डिवाइड होंगे। अब हम इन्हें क्या एक्सप्लेन करते हैं वो आगे देख, अब हम अमाउंट ऑफ योग के पहले टाइप को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला टाइप हमारा था होलो ब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मीन्स बताया था हमने, होलो टोटल डिवीजन हो जाता है, यानी कि टोटल ही जो एग होता है उसमें क्या होता है, क्लीवेज फरो बनती है और टोटल एग को डिवाइड करती है। तो देखते हैं क्या होता है, जब जाइगोट या एग के एनिमल पोल, जब जाइगोट के एनिमल पोल पर फॉर्म होने वाली क्लीवेज लाइन या क्लीवेज फरो होल वेजिटल पोल को क्रॉस कर जाती है, कर देती है, तो उसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, ठीक। ये क्लीवेज एलेसिथल, होमोलेसिथल तथा मीजोलेसिथल एग में पाया जाता है। ये क्लीवेज टू टाइप का होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें बात हो रही है एग के एनिमल पोल पर फॉर्म होने वाली क्लीवेज लाइन या क्लीवेज फरो होल वेजिटल पोल को क्या करते हैं, क्रॉस कर देती है, तो उसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। एक एग में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक जिधर साइटोप्लाज्म होता है उसे क्या कहते हैं, एनिमल पोल, एनिमल, एनिमल पोल, और जिस साइड योक होता है, क्या होता है, योक होता है, उसे क्या कहते हैं, वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एनिमल पोल पर फॉर्म होने वाली, यानी कि यहां पर फॉर्म होने वाली क्लीवेज लाइन या क्लीवेज फरो वेजिटल पोल को क्रॉस कर देती है। जैसे
होल, यहां से यहां तक, यानी कि टोटल एग में क्या होगी, क्लीवेज फरो बनेगी, डिवाइड करेगी, ठीक, क्रॉस कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो टोटल एग में क्या होते हैं, डिवीजन होता है, ठीक, आया समझ में। अब यह है, ये क्लीवेज एलेसिथल और होमोलेसिथल एग या मीजोलेसिथल एग में पाया जाता है। जिस एग में योक की क्वांटिटी एफरेंट होती है उसे एलेसिथल एग कहते हैं, और जिसमें योक और साइटोप्लाज्म होमो कंडीशन यानी कि सेम कंडीशन में होते हैं उसे होमोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं। जिस टाइप से, जैसे अगर पूरे एग में साइटोप्लाज्म फिल है, ठीक, तो उसी टाइप से योक भी पैचेज में या डॉट डॉट में पूरे ही एग में क्या होगा, फिल होगा, तो उसे क्या कहेंगे, होमोलेसिथल एग कहेंगे। ठीक, आगे देखते, ये टू टाइप के होते हैं, जिसमें नंबर ए है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इक्वल बराबर होलोब्लास्टिक क्लीवेज, टोटल क्लीवेज होगा और जो बनने वाले ब्लास्टोमियर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, एक ही साइज के होंगे। तो देखते हैं, जब होलोब्लास्टिक क्लीवेज के दौरान इक्वल इक्वल साइज सेल और ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन होती है तो उसे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। जब होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, टोटल एग में क्लीवेज होगा, तब इक्वल इक्वल साइज के क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर या सेल्स बनेंगे, उसे क्या कहते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ये क्लीवेज एलेसिथल होमोलेसिथल एग में होता है, जो हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल में है प्लेसेंटल मैमल और एम्फीऑक्सस। जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, योक की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, जो मदर की बॉडी से क्या मिलती है, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। अब हमारा है सेकंड, इसका डायग्राम यह है, ये देख सकते हैं, जितने भी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीव, जितने भी ब्लास्टोमियर बनेंगे एनिमल की, वो एनिमल पोल की तरफ या वेजिटल पोल की तरफ, जितने भी क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर बनेंगे, उनका साइज टोटल एग में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, और किस में बनेंगे, माइक्रोलेथिसल एग में, ठीक है। अब हमारा दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अनइक्वल जिसमें बनने वाले ब्लास्टोमियर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे साइज में, ठीक। जब होलोब्लास्टिक क्लीवेज के टाइम बनने वाले ब्लास्टोमियर्स अनइक्वल साइज के होते हैं तो उसे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। जब क्लीवेज होगा एक एग में, ठीक है, तो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर होंगे वो वेजिटल पोल, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो वेजिटल पोल होगा उधर योक होता है उस साइड, तो उधर साइड के क्या होंगे, बड़े होंगे, जो ब्लास्टोमियर होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, और जो एनिमल एनिमल पोल की तरफ होंगे ब्लास्टोमियर, वो क्या होंगे, साइज में छोटे होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं, छोटे वालों को क्या कहेंगे, माइक्रोमियर, और जो बड़े वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेगामियर। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस साइट योक होता है, जब बनने वाली सेल को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है तो उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जहां पर उन्हें न्यूट्रिशन कम मिल पाता है, इसीलिए उनका साइज छोटा होता है, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ये मीजोलेसिथल एग में होते हैं, जिसमें एक साइड एनिमल पोल होता है और दूसरी साइड वेजिटल पोल होता है, जिस तरह एक साइड साइटोप्लाज्म और एक तरफ योक, ठीक। और एग्जाम्पल में है फिश एंड एम्फीविया। अब अमाउंट ऑफ योक के बेस पर सेकंड टाइप देखेंगे, हमारा होलोब्लास्टिक कंप्लीट हुआ और अब है हमारा मीरोब्लास्टिक सेकंड टाइप, ठीक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरो मीन्स पार्टियल, ब्लास्टिक डिवीजन, मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें पार्टियल डिवीजन होगा या इनकम्प्लीट डिवीजन होगा, होल एग डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, ये क्लीवेज लार्ज पॉलीलेसिसल एग का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्लीवेज लाइन योक की हाई क्वांटिटी को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाती,
है। अतः डिवीजन इनकम्प्लीट या पार्टियल होता है, ये टू टाइप का होता है। ठीक है, पहले समझते हैं। ये क्लीवेज लार्ज पॉलीलेसिसल एग में होते हैं। ठीक है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। पॉलीलेसिसल एग वो होते हैं जिनमें एग का अमाउंट ज़्यादा होता है। हमने बताया था कि जितना यॉक का अमाउंट होगा उतना ही साइज क्या होगा, एग का बड़ा होगा। और इसका क्या है, पॉलीलेसिसल का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, क्या, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें बनने वाली क्लीवेज फरो या क्लीवेज लाइन पॉलीलेथिसल एग को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगी। जैसे हमने होलोब्लास्टिक में देखा था, जिसमें एनिमल पोल से लेकर वेजिटल पोल तक कंप्लीट क्या बन रही थी, एक क्लीवेज फरो या क्लीवेज लाइन बन रही थी। ठीक है, बट जो पॉलीलेथिसल एग होंगे उनमें योक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ तक साइटोप्लाज्म होगा ठीक वहीं तक क्या होगा, क्लीवेज होगा, वहीं तक जो एग है वो डिवाइड होगा। जैसे इस टाइप से, वहाँ जहाँ तक क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा वहाँ तक क्या होगा, क्लीवेज होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें कंप्लीट एग क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, टू टाइप का होता है। नंबर ए इसमें है, नंबर एक डिस्कोडियल क्लीवेज। देखते हैं क्या होता है। इस टाइप का क्लीवेज टेलोलेथिसल एग में बनने वाली साइटोप्लाज्म डिस्क तक रेस्टिकेटेड रहता है, इसलिए इसे डिस्कोडियल क्लीवेज कहा जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, पॉलीलेथिसल एग, या इसे टीलोलेथिसल एग भी कहते हैं। इसमें बनने वाली साइटोप्लाज्मिक डिस्क, जैसे जहाँ तक साइटोप्लाज्म क्या रहेगा, एग में फिल रहेगा, उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिस्क कहेंगे। जब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा तो कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक साइटोप्लाज्म डिस्क है वहीं तक क्या रहेगा, रेस्टिकेटेड रहेगा, वहीं तक पूरा एग डिवाइड नहीं होगा। वहीं तक कहाँ तक डिवाइड होगा, जहाँ तक हमारा साइटोप्लाज्म है एग में, और बाकी जो योक वाला हिस्सा है वो सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए क्या करेगा, उसे प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड, जो रेप्टाइल होते हैं और बर्ड होते हैं उनके जो एग होते हैं क्या होते हैं, पॉलीलेथिसल एग होते हैं। अब हमारा बी टाइप है सुपरफिशियल क्लीवेज। देखते हैं क्या होता है। इस टाइप का क्लीवेज सेंट्रोलेथिसल एग का करेक्टरिस्टिक फीचर है। सुपरफिशियल क्लीवेज सिर्फ सेंट्रोलेथिसल एग में क्या होता है, पाया जाता है, जिसका क्या है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें सेल डिवीजन केवल डॉर्सल सरफेस तक ही लिमिटेड रहता है। इसे सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। इसमें क्या रहेगा, जब क्लीवेज होगा एग में, ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि सेंट्रोलेथिसल एग क्या होते हैं। हमने पढ़ चुके हैं वैसे एग के लिए क्या होते हैं, सेंट्रोलेथिसल एग, इसके सेंटर में योक का अमाउंट ज़्यादा होगा और जो पेरिफरी चारों तरफ क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, तो उसी के टाइप से उसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। जब सेंटर में क्या है, योक, तो उसके पेरिफरी यानी कि चारों तरफ क्या होगा, क्लीवेज होगा, जिसे क्या कहते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं, जो जो एग की पेरिफरी पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या, सेंट्रोलेथिसल एग होते हैं। ठीक है, हमारा टाइप ऑफ क्लीवेज कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ क्लीवेज। अब बात करेंगे हम प्लेन ऑफ क्लीवेज की, जिसे पैटर्न ऑफ क्लीवेज भी कहते हैं। जब क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डिफरेंट टाइप की क्लीवेज फरो बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक, इनमें डिफरेंट डिफरेंट एग में डिफरेंट टाइप की क्लीवेज फरो या प्लेन बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जाइगोट की एवरी स्टेज में क्लीवेज फरो एग को डिवाइड करती है। ठीक, हम अब तक पढ़ते आए हैं कि क्लीवेज फरो बनती है और फिर ब्लास्टोमियर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे डिफरेंट प्लेन बनते हैं तथा कुछ प्लेन को डिस्क्राइब किया गया है। देखते हैं, नंबर एक मेरे
डोनल प्लेन। ठीक, देखते हैं क्या होते हैं। जब क्लीवेज फरो एक के एनिमल पोल टू वेजिटल पोल सेंटर से होते हुए पास होती है, तब क्लीवेज का ये प्लेन मेरीडोनल प्लेन कहलाता है। एग्जाम्पल एम्फीबिया, फर्स्ट क्लीवेज फरो ऑफ चिक। ठीक, देखते हैं। जब क्लीवेज फरो बनती है, क्लीवेज स्टार्ट होता है तब। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं एनिमल टू वेजिटल पोल सेंटर से होते हुए जब क्लीवेज फरो, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब क्लीवेज फरो किसी एग में एनिमल पोल से एग के सेंटर से होती हुई वेजिटल पोल तक क्या करती है, एग को डिवाइड करती है। जब कंप्लीट एग को सेंटर से होते हुए एनिमल टू वेजिटल पोल तक क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जो क्लीवेज फरो एनिमल टू वेजिटल पोल तक क्या करती है, एग को डिवाइड करती है, उसे ही क्या कहते हैं, मैरीडोनल प्लेन कहते हैं। ठीक, तो किसमें होते हैं, एम्फीबिया और फर्स्ट क्लीवेज फरो ऑफ चिक। अब दूसरी देखते हैं, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, देखते हैं। वर्टिकल क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर पास होती है। ठीक है, सेम इसी की तरह होती है, बट एग के सेंटर से पास नहीं होती, ये सेंटर से राइट या लेफ्ट में हो सकती है। एग्जाम्पल में है थर्ड क्लीवेज फरो चिक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वर्टिकल क्लीवेज में जब क्लीवेज फरो बनेगी वर्टिकल प्लेन में, तो एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक, ठीक, डायग्राम में देखिए, एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक क्लीवेज फरो बनेगी तो ठीक, बट सेंटर से क्या नहीं होगी, पास नहीं होगी, उसके राइट या लेफ्ट में हो सकती है, एक साइड कहीं भी हो सकती है, तो उसे ही क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन कहते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं, इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन भूमध्य रेखीय समतल, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, इस तरीके से, ठीक है, क्षैतिज क्लीवेज, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज फरो है एंड मैन एक्सिस की राइट एंगल पर इक्वाटोरियल प्लेन में एनिमल एंड वेजिटल पोल के मिड सिचुएटेड होती है। ठीक, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज फरो है जो एग के मेन एक्सिस यानी कि सेंटर से कैसे हॉरिजॉन्टल क्या प्लेन पर क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। आप देख सकते हैं एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच बीच में, मिड में। ठीक है, और क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाती है। ठीक, और कहाँ से जाती है, सेंटर से होके जाती है, जो एग को टू पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को एक दूसरे से अलग करती है, वही क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इसका एग्जांपल है फर्स्ट क्लीवेज फरो ऑफ हायर मैमल, जितने भी मैमल्स होंगे उनमें फर्स्ट क्लीवेज फरो बनेगी, वो क्या बनेगी, इक्वेटोरियल। लास्ट हमारा है लैटिट्यूडिनल प्लेन, इसे देखते हैं क्या होता है। ये इक्वेटोरियल जैसा ही होता है, इक्वेटोरियल प्लेन की तरह ही होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, और देखते हैं व्हाट ये इक्वेटोरियल के आइदर साइड पर साइटोप्लाज्म से होता हुआ पास होता है, एक आइदर साइड पर, ठीक है, होता हुआ पास होता है, इसे ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। एग्जाम्पल में है क्लीवेज प्लेन ऑफ एम्पियोक्सिस और फ्रॉग, किसमें बनेंगे ये, एम्पियोक्सिस में और फ्रॉग में। ठीक, इसे देखते हैं, एक्वेटोरियल जैसा होता है, एक्वेटोरियल प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है जो एग के सेंटर से एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच में, मिड में सिचुएटेड होता है, बट लेटिट्यूडनल प्लेन एक्वेटोरियल प्लेन के आइदर साइड साइटोप्लाज्म के साथ यानी कि एनिमल पोल की तरफ क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, और एग को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसे ही क्या कहते हैं, लेटिट्यूडनल प्लेन कहते हैं।
अब फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर इफेक्टिव क्लीवेज। देखते हैं क्लीवेज की स्पीड एडमी साइटोप्लाज्म की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक, जितना साइटोप्लाज्म का एडमी बेग होगा उतनी ही क्या होगी क्लीवेज की स्पीड। अगर योक का बेग वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी स्लो होगी। ठीक, और हमारा यहाँ पर क्लीवेज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।